दोस्तों केले की खेती में नाइट्रोजन के लिए हम अक्सर यूरिया का ही इस्तेमाल करते हैं, पर बरसात के दिनों में लगभग सभी एग्रोनोमिस्ट अमोनियम सल्फेट को यूरिया की जगह इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बरसात के दिनों में अमोनियम सल्फेट किस तरह यूरिया से बेहतर काम कर सकता है। दोस्तों बात शुरू करते हैं यूरिया से, तो जैसा कि हमें पता है कि यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड रूप में होती है, जो पहले अमोनियम नाइट्रोजन और उसके बाद नाइट्रेट में बदल जाती है। तो बरसात में जब हम केले को यूरिया देते हैं तो ज़्यादा नमी होने के कारण यूरिया फौरन ही मिट्टी में घुल जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यह यूरिया धीरे धीरे लीच होनी शुरू हो जाती है और तब तक लीच होती रहती है जब तक सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया एमाइड नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट नहीं कर देते, क्योंकि अमोनियम आयन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और सॉइल पार्टिकल निगेटिवली चार्ज होते हैं। इसलिए अमोनिया आयन सॉइल पार्टिकल के साथ मिट्टी में काफ़ी नीचे जाकर लॉक हो जाती है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने के लिए केले की जड़ें इतनी गहराई में काफ़ी कम संख्या में ही होती हैं, क्योंकि धान को छोड़ करके बाकी सभी फसलें नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेती हैं। इसलिए सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया फिर से अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं और केले की जिन जड़ों के आसपास यह कन्वर्जन होता है वह जड़ें नाइट्रेट को अपटेक कर लेती हैं। बाकी नाइट्रेट क्योंकि निगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए वह धीरे धीरे लीच करके रूट जोन से बाहर पहुंच जाते हैं। इसलिए केले को बरसात में यूरिया से सिर्फ 10-20% ही नाइट्रोजन मिल पाता है। अब बात करते हैं अमोनियम सल्फेट की। तो जैसे ही हम अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र को मिट्टी में अप्लाई करते हैं तो अमोनियम आयन फौरन ही मिट्टी के पार्टिकल्स के साथ लॉक हो जाता है और फिर लीच नहीं हो पाता। इसके बाद मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया अमोनियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदल देते हैं, क्योंकि अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र में सल्फर भी होता है जो क्ले पार्टिकल में मौजूद कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम बना देता है और ज़्यादा नमी के कारण जिप्सम लीच होकर रूट जोन से बाहर हो जाती है और रूट्स के आसपास खाली हुए इस जगह में भी अमोनियम आयन फिक्स हो जाते हैं, जो बाद में नाइट्रेट में बदलकर पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। क्योंकि यह कन्वर्जन मिट्टी की ऊपरी सतह से ही शुरू हो जाता है इसलिए मिट्टी में मौजूद केले की जो अधिकांश जड़ें हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अपटेक करती रहती हैं और पौधा सल्फेट से ज़्यादा नाइट्रोजन अपटेक करता रहता है। दोस्तों उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।